सियासी संग्राम उस वक्त और तेज हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म का विरोध करने वालों पर हमला बोल दिया और आरोप लगाया कि जानबूझकर कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की सच्चाई देश से अब तक छुपाई गई। जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है। महाराष्ट्र में राम कदम की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता फिल्म के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। एक मल्टीप्लेक्स के बाहर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। इतिहास के पन्नों को छुपाया नहीं जाता, इतिहास के पन्नों से सीखा जाता है। इसलिए हमारी ठाकरे सरकार से मांग है कि वे इस फिल्म को टैक्स फ्री करें। वहीं उत्तर प्रदेश भी फिल्म को टैक्स फ्री करने वाले राज्यों में शामिल हो गया। ये ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने वाला छठा राज्य बन गया है। इससे फिल्म देखने थिएटर पहुंचने वाले लोगों को टिकट कुछ सस्ती मिलेगी क्योंकि फिल्म की टिकट पर SGST मतलब राज्य सरकार का GST नहीं लगेगा। फिल्मों की टिकट की कुल कीमत में GST जुड़ा होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बराबर हिस्सा होता है। फिल्मों पर GST के दो अलग अलग स्लैब, पहला उन फिल्मों का जिनकी टिकट 100 रुपये से कम है, ऐसी फिल्मों पर 12% GST लगता है, राज्य और केंद्र दोनों का आधा आधा मतलब 6-6%। जिन फिल्मों की टिकट की कीमत 100 रुपये से ज्यादा होती है उन पर 18% GST लगता है, 9% मिलता है राज्य को, 9% मिलता है केंद्र को। मल्टीप्लेक्स में द कश्मीर फाइल्स की टिकट मान लीजिए करीब 300 रुपये, अब इस पर अगर 18% GST लगता है तो कीमत बढ़कर हो जाएगी 354 रुपये। 300 रुपये टिकट का बेस प्राइस और 54 रुपये GST, ये 300 रुपये से बढ़कर कीमत 354 तब होगी जब फिल्म टैक्स फ्री नहीं होगी। इस 54 रुपये GST में 27 रुपये होंगे SGST के, यानी राज्य सरकार के, और 27 रुपये और होंगे CGST के मतलब केंद्र सरकार के। फिल्म के टैक्स फ्री होने का मतलब यह होगा कि इस पर राज्य सरकार अपना GST का हिस्सा छोड़ देगी, जिससे 354 रुपये की टिकट में 27 रुपये SGST के कम हो जाएंगे, जिसके बाद फिल्म की टिकट की कीमत 354 रुपये से कम होकर 327 रुपये रह जाएगी। मतलब ये कि टिकट के बेस प्राइस पर 9% की छूट फिल्म देखने वालों को मिलेगी। इससे पहले भी इसी फॉर्मूले के तहत कई फिल्मों को अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री किया जा चुका है।